हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, हमारी गाड़ी जब हीट हो जाती है और पानी सर्कुलेशन में नहीं आता, पंखा भी चल रहा होता है और सब कुछ ओके होने के बाद भी, कूलेंट भी होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी हीट होती है, तो उसका कारण क्या रहता है वो दिखाते हैं, क्योंकि वाटर पम्प भी प्रॉपर काम कर रहा हो तो गाड़ी हीट होने का कारण। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने रेडिएटर को खोला है, रेडिएटर खोला है तो रेडिएटर के अंदर ये देख रहे हो आप, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडिएटर का हाल है, क्योंकि रेडिएटर इतना चोक हो चुका है कि इसके अंदर से कूलेंट की जो सर्कुलेशन है, कूलेंट की जो सर्कुलेशन है ऊपर से जाने के बाद, ये नीचे वाला पाइप होता है और ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप और ये नीचे वाला पाइप, यहाँ दोनों से इसका सर्कुलेशन होता है। अगर कूलेंट नहीं घूमेगा तो गाड़ी हमारी हीट होगी, तो हमें इस रेडिएटर के अंदर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, कूलेंट ही डालना चाहिए और इसको साल दो साल में, तीन साल में एक बार क्लीन करवा लेना चाहिए, फिर गाड़ी हीट नहीं होगी।